Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. हेलो स्टूडेंट, आप लोग के स्टेटिक में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप देख सकते हैं कि पिछले वीडियो में देखे होंगे ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक फार्मूला। बहुत दिन हो गया था वीडियो, थोड़ा टाइम नहीं था तो इसीलिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे आपके लिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं टेन ए का क्या होता है फार्मूला। आप लोग बेसिक फार्मूला जानते ही हैं। टेन टू ए का फार्मूला होता है टू टेन ए माइनस वन माइनस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और इसको प्रूफ हम कैसे करते हैं आप देख ही सकते हैं। पिछले वीडियो में भी आप देखे होंगे कि हम बेसिक ट्रिगोनोमेट्री के बेसिक फार्मूला का यूज करके आप लोग को प्रूफ कराते हैं कि कैसे प्रूफ होता है। ठीक है, तो अब आगे हम चलते हैं। ठीक है, तो क्या होता है टेन ए प्लस ए का क्या होता है इक्वल होता है टेन ए प्लस टेन ए टेन ए अपॉन में वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ठीक है, बेसिक फार्मूला है। तो इसको दोनों को जब टेन ए और टेन यहाँ देखिए टेन ए और टेन ए को जोड़ेंगे तो टू टेन हो जाएगा। यहाँ देखिए टू टेन ए अपॉन में वन और टेन टेन जो इंटू में है तो टेन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ टेन टू ए का बेसिक फार्मूला यहाँ प्रूफ हो चुका है। ठीक है, एल एच एस इक्वल आर एच एस। अब दूसरा देखते हैं कॉस का। कॉस का जो बेसिक फार्मूला होता है कॉस टू ए। ठीक है, दूसरा ये पॉइंट है कॉस टू ए का क्या होता है वन माइनस टेन स्क्वायर अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर। ठीक है, तो दूसरा फार्मूला प्रूफ करते हैं। जैसे कॉस का होता है कॉस टू ए का पिछले वीडियो में अगर आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो आप पिछले वीडियो में अगर नहीं देखे होंगे तो जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कॉस टू ए का क्या हो जाता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो आपको ये जनरल फार्मूला होता है साइन स्क्वायर जो होता है ये जनरल फार्मूला है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल वन होता है। ठीक है, तो कॉस का बेसिक फार्मूला यहाँ देखें ही है कॉस का जो बेसिक फार्मूला होता है कॉस टू ए का, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं वन अभी ऊपर देखे हैं वन जो यहाँ है वन का मान हम यहाँ रख सकते हैं ना। यहाँ देखिए यहाँ जो है यहाँ कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है। ठीक है, कॉस स्क्वायर। ठीक है, तो आप हम देख सकते हैं अंश और हर मतलब ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर ए से भाग देने पर। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर ए से जब भाग देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस टू ए इक्वल हो जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर रहेगा ही और साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये तो कॉस कट जाएगा पूरा। ठीक है, कॉस कटने के बाद क्या बचेगा यहाँ वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर बी। ठीक है, टेन स्क्वायर ए। तो आप लोग को ये देख लीजिए प्रूफ, यही हम लोग को क्या करना था प्रूफ करना था जो हो गया आर एच एस एच इक्वल एल एच एस एस। ठीक है, तो जिस भी फ्रेंड को ये वीडियो अगर नहीं समझ में आया होगा तो ये वीडियो ऊपर नीचे करके देखिए यहाँ से जो कॉस टू ए का फार्मूला है वन माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर यही यहाँ पे प्रूफ किया गया। ठीक है, अगर वीडियो यहाँ नहीं दिख रहा है तो हम वो कर देते हैं थोड़ा सही कर देते हैं। और जिस फ्रेंड को ये नहीं समझ में आया होगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे कि ये हमें समझ नहीं आया और फिर से आप इसे बताएं। ठीक है, ओके, जय हिंद ऑल फ्रेंड।